अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीशा एजाज और आज मैं आपको फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चलिए आप शुरू करते हैं। हम फ़िश ले लेंगे जिसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, तो शॉपकीपर भी इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा के देता है, मगर हम एक्स्ट्रा भी घर ला के अजवाइन और लहसुन लगाएंगे ताकि इसकी स्मेल जो उसे एक मखसूस सी फ़िश की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे लगा के रखेंगे। फ़िश का सालन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें प्याज है, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, जिसे हम किसी जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और इसे एक मिक्सचर सा बना लेंगे। ये देखें, ये तमाम चीज़ों को एक जग में हम डालेंगे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को। प्याज को नहीं डालेंगे, बारीक बारीक हम प्याज को काट लेंगे, इसे हम अब ब्लेंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल और थोड़े से प्याज, जो हमने 3-4 प्याज काट के रखे थे, उन्हें हम हल्का सा सुनहरी ब्राउन कर लेंगे। फ़िश का मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें नमक है, काली मिर्च है, ज़ीरा साबुत है, लाल मिर्च, हल्दी है और फ़िश का मसाला है जो नेशनल का हम लेते हैं डब्बा, और दही और वो पेस्ट जो हमने अभी हरी मिर्च और लहसुन अदरक का बनाया था उसे हम इन चीज़ों को इसके अंदर हम ऐड करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, अब प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अब इसी के अंदर हम ये पेस्ट जो हमने एक मिक्सचर सा बनाया था चीज़ों का उसे हम इसके अंदर डाल के और इसे भूनेंगे। हम इसे इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से ये अपना ऑयल छोड़ दे। ऑयल हम कम ही डालेंगे क्योंकि बाद में जो फिश हम फ्राई करेंगे उसके ऑयल को हम इसके अंदर बाद में आखिर में ऐड करेंगे। देखिए, ये अब लहसुन अदरक का जो पेस्ट था इसने अपना ऑयल छोड़ दिया और ये अच्छी तरह भुन गया है। अब इसके अंदर हम ये तमाम मसाला जात जो हमने लिए थे, लहसुन जो से नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह, ये तमाम चीज़ों को डाल के और इसे मज़ीद भुनेंगे कि ये अच्छी तरह भुन जाए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर दही जो हमने फेंट के रखा था उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मज़ीद भूनेंगे कि ये जो दही है अपना पानी इसका खुश्क हो जाए और ये अपना ऑयल छोड़ दे और अच्छी तरह ये मसाला यकजान हो के अच्छी ग्रेवी सी एक बन जाए। और देख, चलें हम इसे मज़ीद भूनते हैं। तकरीबन 1.5 पाव से लेकर 1/2 किलो तक हम दही इसके अंदर डालेंगे और इसके अच्छी तरह इसे भून लेंगे। देखें, अब ये अपना ऑयल छोड़ रहा है। जब ये ग्रेवी अपना ऑयल छोड़ देगी तो इसके अंदर हमने जो नेशनल का डब्बे का मसाला लिया था वो 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर आखिर में ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा भून के और अपनी जो फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरी साइड पे मछली की तैयारी करते हैं। और ये तकरीबन 1/2 घंटा हमने इस मछली को लहसुन और अजवाइन लगा के रखा है।
अब इसे हम पानी से अच्छी तरह धो के कुछ करेंगे और इसके अंदर इसे लस्सी के अंदर डिप करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसे हम जो हमने नेशनल का डब्बा लिया था उसके बाकी जो मसाला बचा था वो सारा इसके अंदर डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हम नमक लगा के और तकरीबन 8 से 10 लीमू लेंगे, लीमू का रस लेंगे जो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे कि ये तमाम मसाला जात इसके अंदर लीमू अच्छी तरह रख दे। तकरीबन आधा से एक घंटे हम इसे इन तमाम चीज़ों को लगा के रखेंगे और आधा घंटा या पौना घंटा हम इसे पड़े रहने देंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे जिसके अंदर हम खुला ऑयल डालेंगे। इस फिश को हम डीप फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए और फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि ये फ़िश टूटती नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो जाती है, पक जाती है। चलिए अब इसे हम कढ़ाई के अंदर फ़िश को डाल के और फ्राई करते हैं। देखिए ये फ़िश गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे हम इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। सालन जो कड़ी सी बनाई है हमने फ़िश की, इसे बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अल्लाह हाफिज़।